वेलकम टू जन्नते कश्मीर गाइस। हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीबॉडी। माय नेम इज हिमानी और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ जन्नते कश्मीर की सैर करने के लिए, और वो भी सिर्फ 3 दिनों के लिए। हाँ जी, एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज नॉट परमिटेड एंड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। स्मोक डिटेक्टर्स इन द लैबोरेटरीज विल अलर्ट द केबिन क्रू इमीडिएटली। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मैंने ली दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट, जो कि 1.5 घंटे में आपको श्रीनगर लैंड करा देती है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी सुबह की फ्लाइट लो, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। होटल में चेक इन करो और उसके बाद पूरा दिन होता है आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए। कश्मीर पहुंचते ही एयरपोर्ट में जस्ट आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक हो रहा है, और अगर आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको RT-PCR रिपोर्ट लेकर जानी है। That's it. And हम इसी तरीके से अपने होटल पहुंच गए। हाँ जी, तो हम आ गए हैं श्रीनगर और चेक इन कर लिया है अपने रूम में। आई एम स्टेइंग हियर इन दिस होटल कॉल्ड 4 पॉइंट्स शेरिटन। तो यस, अभी फटाफट से शावर लेना है एंड देन आई विल गेट रेडी एंड देन विल सी यू। सो एवरीबॉडी, हमने ले लिया है रिक्शा एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स खानकाह मौला, विच इज मस्जिद, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुरानी, लाइक वेरी ओल्ड। उसके बारे में डिटेल में हम जाकर बात करेंगे, बट राइट नाउ इन रिक्शा। तो गाइज, अभी हम आ गए हैं खानकाह मौला मस्जिद के अंदर, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। तो ये जो मस्जिद है, ये कश्मीर की सबसे पुरानी मस्जिद है, और ये बनी 1395, मतलब 1395 में बनी थी। उसके बाद जो है ये पूरी डिसॉल्व हो गई थी, के बाद फिर से इसे 1407 और समथिंग में इसे फिर से रिबिल्ड किया गया। और ये सबसे पुरानी मस्जिद है कश्मीर की, वेरी ब्यूटीफुल लाइक। और अभी बाहर बारिश हो रही है तो यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं है, बहुत काम है, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं। बेसिकली फीमेल्स को अंदर जाना अलाउड नहीं है, बट यू कैन सी फ्रॉम हियर, हियर इज़ झरोखा लाइक थोड़ा सा, और यहाँ से आप देख सकते हो बाहर। एंड या सो एवरीबॉडी, तो ये जो खानकाह मौला मस्जिद है, ये झेलम नदी के किनारे बसी हुई है। हाँ जी, काफ़ी सुंदर है। मैं अभी इससे बाहर आ गई हूँ और बाहर के नज़ारे भी इतने सुंदर है, बारिश हो रही है, बर्ड्स जो है वहाँ यहाँ इतने सारे ऐसे उड़ते रहते हैं, सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो प्रिटी। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर लोग नहीं है ज़्यादा। हाँ जी, मुझे पूरा टाइम मिल रहा है, भरपूर समय मिल रहा है टू कैप्चर ऑल द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, वेन एवर यू आर इन श्रीनगर, यहाँ आना मत भूलना। ओके गाइस, तो अभी हम आ गए हैं तस्वीर साहब। ओके एवरीबॉडी, सो वी हैड लंच अभी, एंड लंच करके डल लेक, एक्चुअली डल लेक के किनारे वी आर वॉकिंग। वेदर पता नहीं, पिछले एक हफ्ते से, व्हेन आई वेंट टू आगरा आल्सो दैट टाइम आल्सो इट वाजंट नहीं, तो वहाँ पर भी ऐसा ही था, यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है। बट यप, अभी तो थोड़ा सा वॉक करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खाली है, बहुत चीज़ी खाना खाली है। सो यप, थोड़ा वॉक करके जाएंगे एंड मुझे फेरन लेना है सो दैट आई कैन वेयर इट, और मैं शिकारा में अच्छी अच्छी तस्वीरें ले सकूँ। या सो उसी की तलाश में वी आर गोइंग। हाँ, बट ब्राइट विल लुक मोर नाइस। दिस आई गॉट दिस फेरन फ्रॉम दिस शॉप। ओके, सो द शॉप नेम इज डिजायर आर्ट्स एम्पोरियम, और ये गेट नंबर 15 के सामने है, घाट नंबर 15 के सामने डल लेक के। एंड आई गॉट दिस, लेट्स गो नाउ, विल टेक शिकारा राइड।
आराम से घुमाना, भी हड़बड़ी नहीं करना, फोटोग्राफी करना है क्योंकि, ठीक है, स्पेशली इसी के लिए आए हैं अभी। तो अभी हम बैठ गए शिकारा में और हम करेंगे शिकारा राइड ऑल अराउंड डल लेक, मस्त एकदम। इसको क्या बोलते हैं भैया? कांगड़ी। और ये टू कीप अस वार्म दिया गया है, अभी इसको यहाँ पे नहीं रखती। अंग्रेजी में विंटर वाइफ। विंटर वाइफ, ओके, टू कीप यू वार्म। इट्स भैया बता रहे हैं कि इसको विंटर वाइफ बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने इसमें, इसके अंदर, क्योंकि उनका बहुत लूज होता है वो जो फेरन, उस फेरन के अंदर डाल के ऐसे एक हाथ से, एंड देन दे कीप एंड नाइस राइट। ठंड है यार, और डल लेक में आने के बाद कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, बट यार लेट मी एंजॉय दिस ब्यूटिफुल टाइम आउट हियर। आपका घर कहाँ है? घर कहाँ है आपका? बाय बाय। पल में ही हमारा जो परिवर्तन हो गया है, सो फ्रॉम कश्मीर की कली से मैं बन गई हूँ ये डाकू, सी लुक एट मी। क्योंकि भाई इतनी ठंड बढ़ गई है, मतलब अभी टाइम क्या हो रहा है, बाय द वे टाइम इज 4:20 एंड इट्स फीलिंग लाइक कि भाई शाम के 6 बज गए, तो वैसा वाला फील आ रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑल कवर्ड, जैकेट वैकेट पहन लिया है, फोटोबाजी हो गई, रील बन गई, सब कुछ हो गया। सो रील देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, माई इंस्टा हैंडल इज oneplus_himani। यप, आप डल लेक में क्या क्या कर सकते हो? तो डल लेक में यू कैन डू शॉपिंग, क्योंकि यहाँ पर मीना लाइक मीना बाजार टाइप आता है बीच में, वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। यू कैन हैव, इफ़ यू आर हुक्का लवर, यू कैन, एंड ऑल्सो कावा, चाय, लेमन टी, ये सब भी आते हैं, तो आप वो ले सकते हो। देर आर सम मैगी पॉइंट्स ऑल्सो, सो यू कैन ईट ऑल्सो एट द सेम टाइम। व्यू तो है ही सामने, ब्रेथ टेकिंग, अभी इतना सुंदर भी है ना। मैं थोड़ा टाइम लैप्स पे लगाती हूँ एंड यू कैन जस्ट एन्जॉय द व्यू, और उसके बाद आपसे आगे चल के वार्तालाप करेंगे। बहुत जरूरी है, पर इतना जल्दी ठंडा भी हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट हो गया, अदर देन दैट इट्स गुड। बट हमने जो सुबह होटल में पिया था, दैट वॉज द बेस्ट, सबसे अच्छा था, सैफ्रन कहवा था वो, एक्चुअली उसमें सैफ्रन थोड़ा ज़्यादा था। हाँ जी, चीयर्स। अभी हम आ गए हैं दरगाह हजरत बल, जो कि बहुत ही सुंदर दरगाह है, और आप मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे बर्ड्स की, शाम का टाइम है एंड इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है, आई मीन, और दरगाह में हूँ इसलिए सर से हटा नहीं सकती हूँ। ओके, सो राइट नाउ गाइज, वी आर इन दरगाह हजरत बल, और ये जो दरगाह है ये डल लेक से कुछ 14 किलोमीटर दूर है। हाँ, पर इतनी सुंदर है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, यहाँ आकर बहुत ही सुकून मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइक पार्क जैसा है, मतलब पूरा सराउंडिंग जो है बाग है, और फिर पीछे डल लेक दिखती है आपको,
Like, these are the places I wanted to cover in Srinagar instead of touristy places like Chashmashahi Garden या फिर the Nehru Garden. और ये सब मुझे नहीं करना था, मुझे इस तरीके से श्रीनगर explore करना था कि मैं real essence श्रीनगर का देख सकूँ. And this is what I'm doing, so I'm feeling so good. तो हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर ले ली, और पिक्चर के लिए मैंने जैकेट वैकेट निकाल दिया था, तो ऐसे फट ली है ना अभी कि मैं क्या बताऊँ. मतलब आई एम जस्ट रैपिंग अप ऑल द थिंग फटाफट से, क्योंकि इतनी ठंड लग रही है ना, बता नहीं सकती हूँ. हाथ ऐसे जम गए हैं. अब पिक्चर क्लिक करनी है, कैमरा यूज़ करना है, तो यू हैव टू लाइक अपना ग्लव्स व्लव्स सब निकालना पड़ता है. सो वो सब कर लिया, बट यस अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग गई, बहुत ज़्यादा ठंड है. सी बिना सिगरेट के धुआं ऐसे आता है. अभी चलो हम फटाफट से निकलते हैं, हमारा ऑटो बाहर वेट कर रहा है, हम ऑटो में ही घूम रहे हैं आज. तो हाँ, ऑटो लेंगे. ऑटो से भैया हमें बता रहे थे कि यहाँ पर एक मार्केट लगती है जहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट जाते हैं, बट जो रात को लगती है वहाँ पर सारे लोकल जाते हैं. तो रात को तो हम नहीं जा पाएंगे आज, तो आज हम वो टूरिस्टी वाला देख लेते हैं मार्केट, एंड देन विल गो एंड सी कि हम वो लोकल वाला मार्केट कब एक्सप्लोर करते हैं. बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू मार्केट, लेट्स गो.